आगे चल करके जब पता चला कि अरे भाई ये तो बीमारी सिर्फ हिंदू समाज की ही नहीं है, ये मुस्लिम समाज में भी ये बीमारी है और इसको यही यूं समझिए कि हिंदू समाज में जितनी जातियां हैं कमोबेश मुस्लिम समाज में भी उतनी वही जातियां हैं और वही भेदभाव का कमोबेश वही नजरिया भी है और ये जात मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती है, जन्मना है। जो जिस जात में पैदा ले लिया वो उसी जात में मरेगा भी। एक हमारी जब किताब आई मसावात की जंग 2001 में, तो एक छत्तीसगढ़, अब तो उस समय मध्य प्रदेश था, कैडर के एक आईपीएस अफसर थे, तो उन्होंने हमको फोन किया कि अरे भाई आप तो ये बात लिखे हैं बिल्कुल सही है, और एक किस्सा बताया। वो एसपी थे कि मैं अपने गांव में जब जाता हूं और अपने गांव के कई उनका गांव पठानों का गांव है, वो गाजीपुर जिले के, तो मैंने कई पठान लड़कों को नौकरी में रखवाया है, कांस्टेबल में भर्ती कराया है, लेकिन जब मैं गांव जाता हूं तो वहां के लोग कहते हैं कि देखिए ये MW अंसारी उनका नाम है, ये जुलाहा आठ के चलता है। तो उन्होंने कहा कि भाई माशाल्लाह सकल सूरत भी अच्छी है, मूछ भी बढ़िया है, एसपी हूं, अब नहीं ऐठूंगा तो कब ऐठूंगा। देखिए इन कमबख्त पठानों को जिनको सिपाही में भर्ती किया वो लोग कहते हैं कि जुलाहा ऐठ के चल रहा। तो ये मसला है। एक बार किताब के सिलसिले में ही मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जब मसावात की जंग आई में एक लेक्चर देना था हमको, और मैं यहाँ दिल्ली में पुरानी दिल्ली में ये जहाँ वो वकफ बोर्ड का वकफ नहीं हज मन का हाउस का मंदिर है, ये हज हाउस है, वहीं पर एक होटल में मैं ठहरा था। उस समय मैं एमपी नहीं था जाहिर है, तो हमने देखा कि भाई यहाँ कुछ लोग गधे की खच्चर कहिए, गधा और घोड़े के बीच में खच्चर होता है, तो उसकी पीठ पर वो मलवा ढोने का काम करता है, जहाँ के गलियाँ सकरी होती हैं, जहाँ रिक्शा भी नहीं जा पाता है और दूसरी सवारी तो छोड़ दीजिए, तो वहाँ ये जो खच्चर हैं गधे, इसको अपनी मलवा हटाने का या राशन पानी पहुँचाने का भी ये काम करते हैं। तो यहाँ दिल्ली तुर्कमान गेट कहिए उसको, तो हमने देखा कि ये भाई तो हमारे यहाँ की तरह यहाँ भी ये गधे, ये कौन लोग हैं। नाम एक आद से पूछा तो मुस्लिम थे, तो हमने कहा कि भाई कुछ हम जानना चाहते हैं, हम तो जानते थे कि ये हमारे शाहबाद जिले में ही ये एक बिरादरी है गधेड़ी, तो वो जो हिंदू में गधेड़ा होता है और जो मुसलमान वही काम करता है उसको गधेड़ी कहते हैं। हमारे गांव में भी एक विश्वनाथ गधेड़ा थे, तो उनका लड़का हमारे साथ पढ़ता था स्कूल में, और हमारे गांव में तो उस पेशा के लोग नहीं हैं, लेकिन मैं सासाराम में गया जहां शेर शाह सूरी का घर है, तो वहां देखा कि गधेड़ी बिरादरी है, उनको गधेड़ी कहते हैं।
तो हमने कहा कि भाई कोई कुछ बताओ, तो वो तो अपना मस्त है, अपना ले जा रहा है सामान बात करने। कहा कि किसी आदमी को बताओ कि उससे मिले, हम कुछ यहाँ के बारे में भी जाने। तो वो कहा कि चले जाइए वो हाजी गदहा के यहाँ। हाजी गदहा माने वो मुस्लिम गधेड़ी थे लेकिन हज करके आए थे, तो उनका नाम हो गया हाजी गधा। उसी नाम से बेचारे मर गए थे। कहा कि वो तो नहीं है लेकिन उनके बाल बच्चे हैं, गए तो बेचारा कोई मिला नहीं, सब लोग इधर उधर निकले थे। तो बहरहाल मतलब कि जातियां हैं हमारे यहाँ, भंगी भी हैं हमारे यहाँ, धोबी भी हैं, है हाँ, सब सब कैटेगरी है। जनरल कैटेगरी भी है, पसमांदा में ब्राह्मण नहीं है, पसमांदा तो पिछड़ी जाति, पिछड़ी जाति है, दलित भी हैं उसमें, है हाँ ब्राह्मण है। जो अपना सिजरा फैमिली ट्री बताते हैं कि हम अरब से आए हुए हैं, उनका देखा देखी कुछ पिछड़े लोग भी कहते हैं कि हम अरब से आए हुए हैं। तो इस सवाल पर अलग अलग कई जगह नमाज में हमारे यहाँ कहा जाता है, एक ही सफ में खड़ा हो गए महमूदो आज, यहाँ न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। लेकिन हमने देखा अपने शोध के क्रम में कि मस्जिद में केहुनी लगा करके के पीछे हटो तुम आगे सफ में कैसे आ गया, तो इस तरह की भी बातें हैं। कई जगह कब्रिस्तानों में भी उनको दफन करने में दिक्कत होती है, मस्जिदें भी कई जगह दिक्कत हुई तो लोगों ने, पिछड़े लोगों ने बनाई। हमारे अंदर एक, हमारे यहाँ एक बिरादरी है भटियारा, भटियारा डेरोगेटरी शब्द है, और उसकी औरत को भटियारिन कहते हैं। तो एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू दिल्ली गए थे, कांग्रेसी आपस में बहुत लड़ रहे थे, तो वहां उन्होंने कहा कि यहाँ के जो कांग्रेसी हैं भटियारों की तरह लड़ रहे हैं, तो बड़ी सुर्खी बनी थी अखबारों की। तो वो भटियारा हमारे ही यहाँ है, वैसे वो नाम कभी कभी फारूकी रख लेते हैं, लेकिन उनको सब लोग, देखिए हम लोगों के यहाँ है कि जब तक आपकी जाति का, जब मैं पटना आया अखबार नवीस हो करके, तो मेरे नाम में चूंकि मैं पत्रकार था तो अपना अंसारी नहीं लगाता था, अली अनवर लिखता था। तो लोगों ने पता लगा लेते हैं कि मैंने आप कुछ भी टाइटल हो लेकिन पेट का पानी नहीं पचेगा, हाँ हाँ, कि आखिर है किस जाति का। और उसके बाद तुरंत नजरिया बदल जाता है। कुछ पत्रकार मित्र ही थे, बड़े पत्रकार थे, कोई इंडिया ट्रिब्यून में था, कोई टेलीग्राफ में था तो उसके बाद से बिल्कुल नजरिया बदल जाता है। तो इसलिए हमारे कहने का मतलब कि ये मसला है, और अब अच्छी बात है, जब शुरू में हमने इस काम को शुरू किया तो लोग कहते थे कि अल्लाह है, कुरान है, उसका पैगंबर एक, मुसलमान एक, यही कहते थे, मुसलमान में कहाँ यह सब चीज है। तो यही देखा देखी कुछ नेता भी यही बात बोलते थे। एक बार लालू यादव जी को मीटिंग में हम लोगों ने बुलाया तो यही जुमला उनको जितना पढ़ा दिया था लोगों।